चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2007 में क्वेश्चन आया होता, ठीक है, और ये स्टेटमेंट पूरा है और इसके हमको तीन सेंट्रल डिस्टेंस निकालनी है, कॉन्टैक्ट रेशियो निकालना है और रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गियर सेट है और उसके पिनियन के 20 टीथ है, ठीक है। तो पिनियन में गियर जेड वन मान लेता हूँ तो 20 टीथ हो गए, और गियर जिसके 40 टीथ हैं, गियर को मैं जेड टू मान लेता हूँ 40 टीथ हैं, ठीक है। द पिनियन रन्स एट 30 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड दे रखा है तो मैं एन वन कह लेता हूँ 1800 आरपीएम। ट्रांसमिट से पावर ऑफ 20 किलोवाट, ठीक है, 20 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट कर रहा है। द टीथ आर ऑन द 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम एंड हैव ए मॉड्यूल ऑफ 5 mm। 20 डिग्री दे रखा है और 5 mm दे रखा है, 5 mm, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन इज 19 mm। अब ये लाइन ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन में बताता हूँ क्या होता है कि यहाँ पर गियर लगा है, यहाँ पर पिनियन है, ठीक है। ये जो है ये पिनियन का पिच सर्किल डायमीटर है, ये गियर का, ठीक है, ये पिनियन का बेस सर्किल है, ये गियर का बेस सर्किल है, और ये जो है ये है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये पी है पॉइंट, ये पॉइंट के है और ये पॉइंट एल है। तो यहाँ पर जो के एल हमको 19 mm दे रखा है। अब मैं ये आपको बताता हूँ के एल है क्या, ये है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जब पिनियन का जब पिनियन के टीथ एक इंगेजमेंट पीरियड होता है, मतलब कि कहते हैं कि हम उसको कहते हैं वन इंगेजमेंट पीरियड, ठीक है, वन इंगेजमेंट पीरियड कहते हैं। जैसे हम किसी का भी एक पीरियड होता है कि इतने पीरियड बाद वो रिपीट होता है, समझ गए। पीरियड क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो इतना टाइम पीरियड है उसका और उसके बाद फिर रिपीट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही गियर और पिनियन इन दोनों का भी जब इंगेजमेंट होता है तो उसका भी एक पीरियड है कि इतने पीरियड के बाद फिर वो रिपीट होता है, तो इसको कहते हैं वन इंगेजमेंट पीरियड, ठीक है। तो जब पिनियन का टीथ गियर के टीथ से इंगेज करेगा तो कितने टाइम इंटरवल तक, तो वो वन इंगेजमेंट पीरियड हो गया। तो इसमें क्या है कि ये जो वन इंगेजमेंट पीरियड क्या दर्शाता है, ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इतना डिस्टेंस वन इंगेजमेंट पीरियड में कवर होगा। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस चीज़ का, गियर का और पिनियन का। जब पिनियन का पॉइंट गियर के पॉइंट से कांटेक्ट होगा, जब पिनियन का टीथ गियर के टीथ से कांटेक्ट होगा तो वो एक किसी पॉइंट पर होगा, समझ गए। पॉइंट क्योंकि जब दो टीथों के बीच में कांटेक्ट होता है तो पॉइंट कांटेक्ट होता है ना, पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट तो होता नहीं, पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो जब गियर का पिनियन का जब टीथ एक गियर के दूसरे टीथ से कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो पॉइंट कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो के से स्टार्ट होगा और L पर एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वन टीथ, एक पिनियन का एक टीथ गियर का एक टीथ जब स्टार्ट होगा K से, फिर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आगे बढ़ेगा और फिर एक टाइम बाद जब वो एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पर आएगा तो वो L पर पहुंच जाएगा। उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस पर्टिकुलर टीथ के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरे टीथ के लिए फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो वो वन इंगेजमेंट पीरियड मैंने कहा, दोबारा रिपीट हो रहा है हर दूसरे पेयर के लिए। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यही होगा,
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा और ऐसे ट्रैवल करेगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है, वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के से लेके एल तक ट्रैवल करेगा, तो इसको जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ने ट्रैवल किया के से एल तक, ये हुआ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, तो उस पॉइंट का पाथ, इस पाथ पे ट्रैवल किया, तो इसको कहते हैं पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। तो फिर ठीक है, तो और ये पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसी डायरेक्शन में एक्शन लगेगा, तो यहाँ पर एक आता है फोर्स एफ टी, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट है उस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे हुआ उसके उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसमें एक टर्म आता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बता दिया, पॉइंट कट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो ये जो पाथ उसने ट्रेवल किया ये पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, वो तो जो ये के एल डिस्टेंस करी ट्रेवल, ये तो पॉइंट ने ट्रेवल करी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो गियर का पॉइंट है उसने ट्रेवल करी, पर जो गियर ने, जो पिनियन और गियर ने डिस्टेंस कवर करा, समझ लो, एक तो होता है जो पॉइंट ने ट्रैवल करा, जो जब कॉन्टैक्ट आया तो उसने जो ट्रैवल करा, और एक होता है जब जो गियर पिनियन जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो टोटल टोटल गियर जो ट्रैवल कर रहा है वो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिनियन या गियर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिनियन या गियर इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर पिच, इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर पिच मतलब ये सर्कुलर पिच है, ये होगी सर्कुलर पिच, तो इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर पिच इन वन एंगेजमेंट पीरियड, समझ गए। तो जो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिनियन ऑफ और गियर इन वन एंगेजमेंट पीरियड अलोंग दियर पिच सर्किल, अलॉन्ग दियर पिच सर्किल। तो ये जो डिस्टेंस गियर और पिनियन ने ट्रेवल करी पिच सर्किल के अलॉन्ग और उस एंगेजमेंट पीरियड के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए, तो वो होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट समझे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये आपको अब बता दिया क्या होता है केएल, यहाँ पर पता 19 आ गया, पता चलिए केएल क्या है, इसमें क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, केएल, लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन मतलब के से स्टार्ट करा उसने, के से पॉइंट कॉन्टेक्ट हुआ तो उस डायरेक्शन में एक्शन लगा, फोर्स लगा, और कहाँ पर एंड हुआ, एल तक, तो वो के से एल तक उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, के से एल तक, उसके फिर जब एंड हो गया एंगेजमेंट तो उसके बाद तो लग नहीं रहा, तो के एल जो डिस्टेंस है वो लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस है, कितनी लेंथ तक उसने एक्शन किया उस लाइन पर, तो के एल आ गया। अब यहाँ से हम सेट, अब देखो ये चीज़ समझ गए, अब यहाँ से हम निकालते हैं सेंटर डिस्टेंस। अब देखो सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले सेंटर डिस्टेंस क्या है, इसमें इस पिनियन का सेंटर और इस गियर का सेंटर, तो ये सेंटर डिस्टेंस हो गई। तो क्या है इसमें सेंटर डिस्टेंस, इस पिनियन का पिच सर्किल रेडियस और इस गियर की पिच सर्किल रेडियस, मतलब सेंटर डिस्टेंस क्या हो गई, इस पिनियन की सर्किल रेडियस कितनी है पिन R1 और उस गियर की सर्किल रेडियस कितनी है R2, MY2 Z1 कितना है 20 और 40, मतलब M की वैल्यू हमको दे रखी है 5, 30, 150 mm, ठीक है, 150 mm सेंटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब उसने पूछा कॉन्टैक्ट रेशियो, अब देखो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है,
तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, के एल, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के एल कितना है 19 mm। अब निकालेंगे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, अब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना आया, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 19 और एंगल कितना है कॉस 20। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट रेशियो जो होता है वो होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई पीच, पी सी सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच क्या होता है पाई एम। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 19 डिवाइडेड बाई कॉस 20 पाई एम, एम कितना है 5। तो यहाँ से जो निकल के आएगा कितना आएगा कॉन्टैक्ट रेशियो, ये आएगा 1.29, ये आया कॉन्टैक्ट रेशियो। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट रेशियो 1.29 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.29 का मतलब क्या हुआ, 1.29 का मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे बताया कि वन इंगेजमेंट पीरियड, एक इंगेजमेंट पीरियड होता है, तो एक इंगेजमेंट पीरियड में एक टीथ, एक वन पेयर ऑफ टीथ तो फुल कॉन्टैक्ट में रहेगा, एक इंगेजमेंट पीरियड में वन पेयर ऑफ टीथ, वन पेयर का मतलब पिनियन का एक टीथ और गियर का एक टीथ जो पेयर बनाते हैं वो पेयर फुल कॉन्टैक्ट में रहेगा एक इंगेजमेंट पीरियड में, और उस इंगेजमेंट पीरियड का 29% टाइम, उस इंगेजमेंट पीरियड के 29% टाइम दूसरा पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, समझ गए, मतलब कि उस इंगेजमेंट पीरियड के 29% टाइम तक दो पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उस इंगेजमेंट पीरियड के 29% टाइम तक दो पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, फिर 29% टाइम के आगे केवल एक पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, समझे, इसका मतलब ये हुआ कि 29% टाइम तक तो दो पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, फिर जैसे ही 29% ऑफ टाइम निकल गया 30% आ गया तो वन पेयर ऑफ टीथ, तो जो वन पेयर ऑफ टीथ है वो तो पूरे इंगेजमेंट पीरियड के लिए रहेगा पर 29% ऑफ टाइम के लिए दो पेयर, तो इसका मतलब यही हुआ कि वन पेयर 1.29 का मतलब यही हुआ कि 29% टाइम तक दो पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उसके बाद वन पेयर ऑफ टीथ, समझ गए, समझे ना, 1.29 का मतलब ये हुआ कि 29% टाइम तक तो दो पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उसके बाद पर क्योंकि देखो फुल इंगेजमेंट पीरियड, एक इंगेजमेंट पीरियड में तो एक पेयर ऑफ टीथ पूरे टाइम रहेगा, पूरे टाइम एक इंगेजमेंट पीरियड, पर 29% टाइम के लिए एक एक्स्ट्रा और आएगा, 29% टाइम तक, 29% टाइम तक एक एक्स्ट्रा टीथ और पेयर और आएगा, और तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए दो पेयर, मतलब कि 29% टाइम के लिए एक एक्स्ट्रा तो आ गया और एक जो फुल चल रहा है उन दोनों को मिला के दो हो गए, तो 29% टाइम तक कितने हो गए दो, उसके बाद 29% टाइम के बाद केवल एक ही रहेगा और वो एक जो है वो तो पूरे पीरियड के लिए है ही, समझ गए, तो कॉन्टैक्ट रेशियो का मतलब ये हुआ। अब आया रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स ये फोर्स है रिजल्टेंट, पर जो पावर जो ट्रांसमिट होती है पिनियन से जो गियर में जो पावर ट्रांसमिट होती है हम उसमें टेंजेंशियल फोर्स देते हैं, हम ये जो ये एंगल होता है फाई, ये फाई होता है, ठीक है, तो एफ टी कॉस फाई, इस एफ टी का एक कंपोनेंट एफ टी कॉस फाई, तो जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो टेंजेंशियल फोर्स के थ्रू होता है, तो इस उसमें जो कंपोनेंट आता है पावर ट्रांसमिशन में
फोर्स का वो एफ टी कॉस फाई आता है। तो एफ टी कॉस फाई पावर ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो एफ टी कॉस फाई टेंजेंशियल फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके ये रेडियस, सर्कुलर रेडियस, पिच सर्किल रेडियस, समझ गए। तो एफ टी कॉस फाई कंपोनेंट होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, जो टेंजेंशियल फोर्स है। पर हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया एफ टी, ठीक है। पर अब देखो यहाँ पर हमको पावर दे रखी है 20 किलो वाट, तो यहाँ से हम टॉर्क निकालेंगे। फिर टॉर्क क्या होता है, एफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, समझ गए। तो यहाँ से पावर क्या होगी, 2 पाई एन टी वन, पिनियन का है ये पावर। तो यहाँ से टी वन कितना आएगा, पावर कितनी है 20 किलो वाट, 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एन वन कितना है 1800। तो यहाँ से पी वन टी वन कितना आएगा, यह आएगा 106.10 न्यूटन मीटर। मैंने न्यूटन मीटर लिखा है, ध्यान रखना। अब टॉर्क क्या होता है, टी वन एफ टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स कितना है एफ टी कॉस फाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कुलर रेडियस पिच आर वन। तो T1 हमको दे रखा है 106.10 इंटू 10^3। मैंने न्यूटन mm मैच कर दिया, एफ टी कॉस फाई की वैल्यू हमको 20 दे रखी है, R1 R जो है पिच सर्किल रेडियस, सर्कुलर पिच रेडियस जो है वो पिनियन की, R1 कितना है, अगर मैं R1 यहाँ से निकालूँ, m कितना है, m Z1 ओवर 2 होगा, m कितना है 5, Z1 कितना है 20, तो ये आ गया 50 mm। तो यहाँ से मैं अगर 50 mm, तो यहाँ से एफ टी कितना आएगा, तो एफ टी आएगा 2258.1 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो एफ टी है ये रिजल्टेंट फोर्स है। अगर हमको पूछता कि पावर ट्रांसमिशन के लिए जो टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, तो हम एफ टी कॉस फाई निकालते थे, वो होता है टेंजेंशियल फोर्स पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ मैंने इसमें बता दी, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, समझिए।